नमस्कार दोस्तों, GSTR 1 और 3B फाइलिंग पे एक बहुत ही रिलीफ भरा अपडेट आया है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। एक नया नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2021 सेंट्रल टैक्स, जो कि 27 अप्रैल आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। हम सबको एक परेशानी यह आ रही थी कि हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफिस में रखे हुए थे और हम कंपनीज की जो हमारी GSTR 1 या 3B हमें जो फाइल करनी थी वो हम टाइमली नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें एक रिलैक्सेशन मिली है। आप देख सकते हो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 27 अप्रैल 2021 टू 31 मई 2021। तो 27 अप्रैल, जी हाँ, आज से लेकर 31 मई तक also be allowed to furnish the return under section 39 form GSTR 3B and a detail of outward supply under section 37 in form GSTR 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो कहने का मतलब, अगर कंपनीज भी अपनी GSTR 1 और GSTR 3B अगर 27 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मई 2021 के बीच भरती है, इस पीरियड में अगर आप भर रहे हो तो DSC मैंडेटरी नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, मतलब कि आपका OTP, आपका EVC के थ्रू भी आप आपकी रिटर्न भर सकते हो। जी हाँ, फिर से मैं रिपीट कर दूं, 27 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मई 2021 के बीच कंपनीज अपनी GSTR 1 और 3B, ये केवल और केवल आया है GSTR 1 और 3B और किसी के लिए नहीं आया है, तो अपनी GSTR 1 और 3B आप भर सकते हो। कैसे? EVC के माध्यम से भी, डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। तो जो लोग इश्यू फेस कर रहे थे कि DSC ऑफिसेज में रह गए हैं, उनको ये इश्यू अब उनका दूर हो जाएगा। ऑल्दो ये अपडेट बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन पहले से ही खराब है, रिटर्न्स ऑलरेडी लेट हो चुकी है, तो ये अपडेट पहले आनी चाहिए थी। और अभी तक जो लेट हुई है उसकी ड्यू डेट, एक्सटेंशन, लेट फीस के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं है। बट ठीक है, अभी आप आपकी रिटर्न फाइल करिए EVC के माध्यम से। जैसे ही और कोई अपडेट आएगी हम हमारे चैनल पे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।